अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने मेकअप ब्रशेस कैसे क्लीन करती हूँ। सबसे पहले मैंने बोल को पानी से हाफ फिल कर लिया और उसमें थोड़ा सा शैम्पू ऐड कर रही हूँ। मैं आपको दो मेथड से ब्रश क्लीन करने बताऊँगी। पहले मेथड के लिए हम यूज़ करेंगे सिलिकॉन मेकअप ब्रश क्लीनिंग पैड, और एक और चीज़ जो हमारे घर में अवेलेबल होती है वो है टी लीव स्ट्रेनर। मैं इन दोनों से जो आपको है ना वो ब्रशेज़ वॉश करके आज बताऊंगी। सबसे पहले जो है वो मैं जो टी लीव स्ट्रेनर है जो हम चाय की पत्ती से छानते हैं वो यूज़ कर रही हूँ। शैम्पू में अपना ब्रश डिप किया पहले, और इसके स्ट्रेनर पर मैं अच्छी तरह इसको रब करूँगी, और फिर रब करने के बाद इसके ऊपर मैं इसको क्लीन वाटर से जो टैप वाटर है उससे वॉश कर लूँगी। और जो दूसरा सिलिकॉन क्लीनिंग पैड है मैं इसके ऊपर भी आपको ऐसे सेम ब्रश साफ़ करके दिखा रही हूँ। हमने सेम शैम्पू में वैसे डिप किया है, अपने पैड के ऊपर इसको अच्छी तरह रब किया है, और ये देखें टैप वाटर से इसको मैं अच्छी तरह वॉश कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ब्रश बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो गए हैं, इसमें कोई फाउंडेशन एंड पाउडर कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छी तरह क्लीन हो गया है, ये देखें। और लास्ट पर मैं आपको बताऊंगी कि ड्राई भी कैसे करना है, तो मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसी तरीके से जो मेरे स्मॉल आई शेडो ब्रशेज़ हैं वो भी हम सारे इसी मेथड से क्लीन कर लेंगे। ये जो छोटा सा सिलिकॉन क्लीनिंग पैड मैंने आपको दिखाया ये बहुत ही अफोर्डेबल है और अच्छे से आपके ब्रशेज़ को क्लीन कर देता है। मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अब इसी तरीके से मैं अपने सारे ब्रशेज़ क्लीन कर लूँगी। ब्रशेज़ को मैट पर स्लोली रब करना है ताकि जो ब्रशेज़ के ब्रिस्टल्स हैं वो ख़राब ना हो। इसको स्लोली स्लोली रब करके वॉश करें। मेरे सारे मेकअप ब्रशेस वॉश हो गए हैं। टिश्यू पेपर की हेल्प से सारे ब्रशेस को टैप टैप करिए, सारा वाटर जो ब्रशेस का है वो टिश्यू पेपर में अब्सॉर्ब हो जाएगा। ऐसे अब ब्रशेस को ड्राई करने के लिए मैंने ड्राई मशीन यूज़ की है, ये देखें सारे ब्रशेस को हम इस तरह से ड्राई कर लेंगे। विंटर सीजन है तो मैं इसको ड्राई मशीन की हेल्प से ड्राई कर रही हूँ, गर्मियों में तो खुद ही ड्राई हो जाएंगे, ड्राई मशीन की नीड नहीं होगी तब। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।